अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह कर दें कि अमेरिका कैसे अफगान पायलट को अपने पास और तालिबान से दूर कर रहा है। आपको मुकम्मल तफसील बताते हैं इस छोटी सी वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने आने वाली नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद आज पाकिस्तान में मुंतकल होने वाले पायलट के मुताबिक अहम फैसला किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और आज पाकिस्तान से कैसे एक माहदे के तहत आज पाकिस्तान से अमेरिका के लिए रवामा से अड्डे मुंतकल किया जाएगा। इन पायलट को अमेरिका तालिबान के हवाले नहीं करना चाहता। अमेरिका ने दावा किया आज पाकिस्तान पायलट को अमेरिका दो अड्डे में ले जाया जाएगा। ताहम ये बात वाजे नहीं है कि पायलट को अमेरिका मुंतकिल किया जाएगा या नहीं। अफगान में कब्जे के बाद ये पायलट आज पाकिस्तान चले गए थे कि तालिबान ने सरकारी अहदेदारों को माफ़ी देने का ऐलान कर दिया, लेकिन पायलट को अपनी हिफाजत के बारे में खदशा से वही आज पाकिस्तान में तालिबान का दबाव है कि हमारे पायलट वापस किए जाएं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त आज पाकिस्तान में 46 तैयारे हैं, उनके ख़ानदान समेत कुल 585 अफराद हैं। दूसरी तरफ तालिबान तर्जमान सोहेल शाहीन ने पायलट से अपील की है कि वह वापस अफगानिस्तान आ जाएँ क्योंकि मुल्क और तरक्की के लिए अपने लोगों की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये थी अब तक की अहम तरीन खबर। इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त।